खवातीन हजरात आदाब, मैं प्रीति शुक्ला एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम स्वतंत्र कला के फनकार लेकर। आज मैं जिनसे आपका तारुफ कराने वाली हूँ वो उर्दू के एक महान शायर और पाकिस्तान के राष्ट्रकवि हैं, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे खूबसूरत गीतों की रचना की है, जिनका नाम है अल्लामा इकबाल। उर्दू के तीन महान शायरों में मीर की शायरी अपने पाठकों को उनका अनुयायी बनाती है, तो गालिब की शायरी आकर्षित करती है और मंत्रमुग्ध करती है, वही इकबाल की शायरी अपने पाठकों को उनका प्रशंसक और चाहने वाला बनाती है। इकबाल ने अपने दौर और आने वाली पीढ़ियों को ऐसे खूबसूरत जबान दी जो अपनी भावनाओं और जज्बातों को खूबसूरती के साथ पेश कर सके। कहीं उन्होंने भाषा का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया, कहीं परंपरा का पालन किया तो कहीं उसकी अवज्ञा की। वो नज्म के ही नहीं गजलों के भी बहुत बड़े शायर हैं। उनकी नज्मों में गीतात्मकता और माधुर्य है। वे एक समय के शायर, दार्शनिक, समाज सुधारक और विद्वान थे, लेकिन उनकी शायराना शख्सियत ने उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं को अपने अंदर समेट लिया था। इकबाल की शायरी मूल रूप से सक्रियता, कर्म और निरंतर संघर्ष की मांग करती है। उनका कहना था कि इश्क को कर्म से मजबूती मिलती है और कर्म के लिए यकीन का होना ज़रूरी है, और यकीन ज्ञान से नहीं बल्कि इश्क से हासिल होता है। वो इश्क, ज्ञान और बुद्धि तीनों को अविभाज्य और एक के बिना दूसरे को अधूरा समझते थे। इकबाल युग को पहचानने वाले युग निर्माता शायर थे। उनको पश्चिम की बदहाली खास तौर पे परेशान करती थी और वो इसका कारण भी बेहतर तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए अपनी शायरी को जरिया बनाया और विचार मात्र सूखा विचार न रहकर एक मानसिक और संवेदी अनुभव बन जाए, जिसका तकाजा है कि विचारों के संवेदी विकल्प तलाश किए जाएं और विचारों को भावनाओं की सतह पर लाया जा सके, जिससे विचार मात्र सूखे विचार न रहकर एक भावनात्मक और मानसिक भाव बनकर उभरे। इकबाल की शायरी विचारों की शायरी है। इकबाल रूपकों, उपमाओं और विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों को विशिष्ट तरीके से पेश करते हैं। इकबाल की शायरी विचारों की शायरी है। इकबाल रूपकों, उपमाओं और विशिष्ट तरह के प्रतीकों को एक खास तरीके से पेश करते थे, जिससे कि उनके विचारों को एक बेहतर ज़मीन मिल सके जहां वो अपने विचारों को अच्छे तरीके से पेश कर सके और उनके जज्बात मात्र कोरे जज्बात न बनकर एक मानसिक भावना और प्रतीक बन के उभरे। मिडिल और मैट्रिक के इम्तहानों में विशेष योग्यता से पास होकर वजीफा लिया। इकबाल ने 1899 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की और उसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए। इकबाल की परंपरा में ऐसी शक्ति है जिसकी ताजगी में संभावनाओं की दुनिया आबाद है। 21 अप्रैल 1938 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने उर्दू शायरी को नई शब्दावलियों, उपमाओं और प्रतीकों का एक खूबसूरत जखीरा अता किया। शेख मोहम्मद इकबाल 22 फरवरी 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके पूर्वज सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन इस्लाम कबूल करके सियालकोट में आके बस गए थे। इकबाल की आरंभिक शिक्षा मकतब में हुई थी। इकबाल की पहली शादी छात्र जीवन में ही एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से हो गई थी, जिससे उनको एक बेटा भी हुआ था। इसके बाद उन्होंने दो और शादियां ली। ये थे अल्लामा इकबाल, और कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सलाह है या सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब सीधा चलते हैं अब्दुल कवि के पास और देखते हैं आज के उभरते हुए सितारे को। तब तक मुझे यानी प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। शब्बा है। स्वतंत्र कला के फनकार में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं प्रीति जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे सितारे से करवाना चाहता हूँ जो शायरी के आसमान में बहुत जल्द जगमगाने वाला है। उनका शायरी,
उनका तरन्नुम, उनकी आवाज़, बहुत खूबसूरत शेर कहने का अंदाज़, इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अनकरीब वो मुशायरों की महफिलों की जान बनने वाले हैं। और किसी भी मुशायरे को आने वाले वक्त में उनके बग़ैर अधूरा समझा जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ निहाल रज़ा की। निहाल रज़ा एक नौजवान शायर, जिनके पढ़ने का अंदाज़, जिनके अशार, उनकी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत, क्या होता है भूल गए, बहुत खूबसूरत अंदाज है। आइए हम बात करते हैं निहाल रज़ा से और उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके अशार, उनके कलाम सुनेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका स्वतंत्र कला के फनकार में। और निहाल रज़ा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको शायरी का शौक़ कब से लगा और आपने किस शायर को सुन के आपके अंदर ये जज्बा जगा कि आप शायरी कर सकते हैं, किसने आपको इंस्पायर किया इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि मुझे शायरी का शौक़ बहुत ही पहले से था, बचपने के दौर से। लेकिन उसके बाद मैंने मेरी मुलाकात डॉक्टर शफी सीतापुरी साहब से हुई, हालांकि मैं उस टाइम पे टूटे फूटे अशार कह रहा था। फिर मैंने मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने मेरे अंदर एक जज्बा जगाया कि मैं इस लाइन में आगे और बढ़ सकता हूँ। और उन्होंने मेरी गज़लों की, मेरे शेरों की सलाह की। और कब से आपने शायरी शुरू की, रेगुलर आपने स्टेज पर जाना शुरू किया और पहला स्टेज आपने कहाँ पर शेयर किया? पहला स्टेज मेरा लखीमपुर में ही रहा, जब मेरी उम्र लगभग 13 बरस की थी। मैंने 13 बरस की उम्र में ही शायरी करना शुरू किया था। किस किस तरह के शेर गज़लें आप लिखते हैं? जैसे इसमें नात होती है, गज़ल होती है, तंज़ो मिज़ा की शायरी होती है, तो आप किस तरह, किस चीज़ को आपने अपना पैटर्न बनाया? देखिए, मेरा पैटर्न ये नहीं है कि मैं सिर्फ गज़ल कहूँ या सिर्फ नात कहूँ। मेरा मैं हर सब कुछ कहता हूँ, गज़ल भी कहता हूँ और नात वगैरह भी कहता हूँ, मनकबत भी कहता हूँ, सेहरे भी कहता हूँ, मतलब कि हर एक चीज़ में जो है जो दिल करता है वो कहता हूँ। जाहिर है कि आप नात कहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे नात के 2-4 अशआर सुनना चाहूँगा और उसके बाद हम गज़ल पे आएंगे। मिला रसूल से तोहफा खुदा की वहदत का, 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 खुदा से पाया है तोहफा रसूल रहमत का, खुदा से पाया है तोहफा रसूल रहमत का। और एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलायजा फरमाए। खुदा ने उनको बनाया है रहमत आलम, 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 इसी से कीजिए अंदाज़ा उनकी अजमत का, इसी से कीजिए अंदाज़ा उनकी अजमत का। और शेर मुलाजा फरमाए। जब उनका सानी बनाया नहीं मेरे रब ने, 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 तो कोई कैसे मिले उनकी शक्ल सूरत का, तो कोई कैसे मिले उनकी शक्ल सूरत का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल के चंद अशार हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिए कि
मेरे दिन रात बदले शिद्दते गम की घटा बदले, मेरे दिन रात बदले शिद्दते गम की घटा बदले, मेरे दिन रात बदले शिद्दते गम की घटा बदले। हो कुछ ऐसा मेरे मौला मुकद्दर का लिखा बदले, हो कुछ ऐसा मेरे मौला मुकद्दर का लिखा बदले। और शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिए कि वबा है इश्क दिल बीमार है दिल की दवा तुम हो, वबा है इश्क दिल बीमार है दिल की दवा तुम हो, मर्ज अच्छा न हो जब तक कोई कैसे दवा बदले, मर्ज अच्छा न हो जब तक कोई कैसे दवा बदले। और ये भी शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए कि मेरी उसकी मोहब्बत का तकाजा है यही शायद, मेरी उसकी मोहब्बत का तकाजा है यही शायद, मेरी उसकी मोहब्बत का तकाजा है यही शायद, न मैं रंगे वफा बदलूं न वो तर्ज़े जफा बदले, न मैं रंगे वफा बदलूं न वो तर्ज़े जफा बदले, सुना है वो रकीबे रू सिया का हो ने वाला है, सुना है वो रकीबे रू सिया का होने वाला है, सुना है वो रकीबे रू सिया का होने वाला है, जरा उसे कोई कह दे कि अपना फैसला बदले, जरा उसे कोई कह दे कि अपना फैसला बदले। और मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए निहाल उसकी मोहब्बत भी अजब है क्या कहूँ तुमसे, निहाल उसकी मोहब्बत भी अजब है क्या कहूँ तुमसे, निहाल उसकी मोहब्बत भी अजब है क्या कहूँ तुमसे, मैं तन से पैरहन बदलूं वो ऐसे आशना बदले, मैं तन से पैरहन बदलूं वो ऐसे आशना बदले। दो तीन अशार गजल के
पेश करता हूँ कि मतलब कुछ इस तरीके से है कि जिसकी यादों से सजा दिल का नगर है अपना, जिसकी यादों से, जिसकी यादों से सजा दिल का नगर है अपना, चैन दिल का है वही नूरे नजर है अपना, चैन दिल का है। और शेर देखें कि नफरत ओ जुल्म के पत्थर ना उछालो दिल पर, नफरत ओ जुल्म के पत्थर ना उछालो दिल पर, टूट जाए ना कहीं दिल में जो घर है अपना, टूट जाए ना कहीं दिल में जो घर है अपना। और शेर देखें कि दिल के टुकड़ों को कभी अपने रफू कर न सका, दिल के टुकड़ों को कभी अपने रफू कर न सका, जबकि कपड़ों को रफू करना हुनर है अपना, जबकि कपड़ों को रफू करना हुनर है। और ये भी देखें कि हादसा ऐसा हुआ है कि खुदा खैर करे, हादसा ऐसा हुआ है कि खुदा खैर करे, जान बाकी है जिगर खून से तर है अपना, जान बाकी है। और मक्ता देखें कि किस तरह उसको जुदा कर दूं मैं इस दिल से निहाल, किस तरह उसको जुदा कर दूं मैं इस दिल से निहाल, लाख इनकार वो करता है मगर है अपना, लाख इनकार वो करता है मगर है अपना। अर्ज किया है कि जो उल्फत में धोखा खाया करता है, जो उल्फत में धोखा खाया करता है, जो उल्फत में धोखा खाया करता है, जो उल्फत में धोखा खाया करता है वो दिल के आईने तोड़ा करता है, वो दिल के आईने तोड़ा करता है। और शेर देखें कि धड़कन मेरे दिल की बढ़ने लगती है, धड़कन मेरे दिल की बढ़ने लगती है, धड़कन मेरे दिल की बढ़ने लगती है, धड़कन मेरे दिल की बढ़ने लगती है जब भी कोई तेरा चर्चा करता है, जब भी कोई तेरा चर्चा करता है। और इस कलाम का जो मुझे बहुत ही प्यारा शेर लगता है कि मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि प्यार अगर हो एक तरफा तो घुन की तरह,
प्यार अगर हो एक तरफा तो घुन की तरह, प्यार अगर हो एक तरफा तो घुन की तरह, प्यार अगर हो एक तरफा तो घुन की तरह, दिल को अंदर अंदर खाया करता है, दिल को अंदर अंदर खाया करता है। और ये विषय बतौर खास देखें कि जिस पे तेरी याद की हो धुंधली तस्वीर, 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 पूछो उससे कैसे गुजारा करता है, पूछो उससे कैसे गुजारा करता है। और ये भी शेर देखें कि कोई जलता है फुरकत के शोलों में, 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 कोई शब भर चैन से सोया करता है, कोई शब भर चैन से सोया करता है। और ये भी शेर देखें कि कोई गजलें कहता है तन्हाई में, 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 कोई फोन पे बाबू शो ना करता है, कोई फोन पे बाबू शो ना करता है। और मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि नजरें झुक जाती हैं अपने आप निहाल, 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 जब वो मुझको प्यार से देखा करता है, जब वो मुझको प्यार से देखा करता है। तो ये थे आज के स्वतंत्र कला के फनकार निहाल रजा लखीमपुरी। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि निहाल रजा को अगर आवाज़ का तरन्नुम का जादूगर कहा जाए तो कहीं से कम न होगा। आपको मेरा आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आदाब।